सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह आशीष। दोस्तों, आज जा रहा हूँ मैं भोलेनाथ मंदिर पे। आज तीसरे दिन की कथा प्रारंभ होनी है और उसको आपको दिखाते हैं भोलेनाथ मंदिर जाके। और ये है सुंदर से हमारे हरे भरे खेत, जो अभी पीक टाइम पर है और इनकी कलियाँ खिल चुकी हैं। और पहाड़ की सुंदर वादियों का दर्शन करते हुए चलते हैं सीधे विजयपुर से 1 किलोमीटर ऊपर भोलेनाथ धाम। मित्रों, ये है पांगर के पेड़। जब हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे विजयपुर के, यहाँ आते थे पांगर खाने के लिए। और इसका जो छिक्कल होता है, कांटेदार होता है, उसको छिलने में हाथ में कई बार चुभता भी है। और ये सुंदर सी हरियाली यहाँ पर, बांस के पेड़ और ब्रास के पेड़, चीड़ के पेड़ से घना सा जंगल है यहाँ पर। और चारों ओर काफ़ी सुंदर वातावरण, ठीक इसी के ऊपर है भोलेनाथ देवता का मंदिर। तो ये है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये गेट भोलेनाथ मंदिर तक। सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ से इतनी चढ़ाई पर लोग पानी ले जाते थे। अब मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अभी चला हुआ है कर्म कांड और जो भी हमारे यज्ञ पुरुष हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये है हमारी व्यास गद्दी और व्यास गद्दी भी लगी हुई है और पूरी तरीके से सजाई गई है यहाँ पर। हमारे सब्जी काटने वाले द्योंदा और ये लक्ष्मण जी और उधर अर्धा है और गुमांदा। आप क्या खा रहे हो? केला? केला खा रहे हो? केला हाँ, अच्छा, काजू बादाम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनका भी नाम ले लो। हाँ, ये भी बोलो ना साथ में। हाँ, श्री राम के ही अवतार हैं ये भी। तो दोस्तों, आज है भागवत कथा का तीसरा दिन और आज छुट्टी का दिन भी है और काफी लोग यहाँ पर आज जुड़ने के संभावना लग रही है, क्योंकि छुट्टी को देखते हुए सारे लोगों को आज समय जरूर होगा। काफी संख्या में भीड़ बढ़ने वाली है और आज की कथा आपको सुनाते हैं। और आज के ये है प्रधान जी, प्रधान जी ढोलकी लेके आ गए हैं। ये है हमारा भोग कक्ष जहाँ भोग बन रहा है और पंडित जी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। व्यास जी बैठ चुके हैं व्यास गद्दी पर और अब कथा शुरू का समय होने वाला है। लोग जाकर ज्वाला ज्वाला देवी नमस्ते श्री भागवत भगवान की सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान का ध्यान करें। भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से हर दर्श कराने वाला।
चरित्र कर्तम जी के परिचय से, चरित्र से ये ज्ञान मिलता है आज कि पति पत्नी बड़े प्रेम से रहे, पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती रहे, पति भी पत्नी व्रता धर्म का पालन करते रहे, निरंतर परिवार की सेवा में रहे और नियम के अनुसार जीवन यापन करें, धर्म के अनुसार आचरण करें। छोटे छोटे झगड़ों से माई के नहीं भाग जाते, जैसा कि देवभूति माँ का चरित्र हमें ज्ञान देता है। अब अगला चरित्र है कपिल भगवान का। कपिल भगवान से मां उपदेश ले रही है और इससे ये पता चलता है कि जो माता पिता हैं वो भले बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों से भी परामर्श उनको लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं, बच्चे भी जब बड़े हो जाएं, बच्चों से भी परामर्श लेना चाहिए। तो देवभूति माँ कपिल भगवान से परामर्श ले रही है और कहती है, बेटा कपिल, इस संसार में मेरे बराबर सुखी कोई स्त्री नहीं है। अरे जिसका पति योगेश्वर एक कामना करे विमान प्रकट हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बेटा कपिल, नौ नौ बेटियां मेरी जहाज में पैदा हुई, विमान में प्रकट पैदा हुई, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। इस गर्भ से बेटा तूने जन्म लिया, तू भगवान, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। मायके में रही तो राजकुमारी की तरह, ससुराल में रही तो रानी की तरह, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं बेटा। लेकिन मन चित्त शांत नहीं है, मन के भीतर संतोष नहीं है, क्या करूं। तब कपिल भगवान ने माँ देवभूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया 8 अध्यायों में, जिसे कपिलाष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। एक ही श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, ऐसे की शरण ग्रहण करो, सौभृत्य संसार, जो इस संसार से तरो कुठारम, जो तुम्हें तार दे। बेटा कौन तारेगा भैया, तारते तो परमात्मा है लेकिन कितनी आसानी से मिलते नहीं। फिर बेटा क्या करूं। बोले मैया संतों की शरण में चले जाओ, क्योंकि तारने वाले तो परिपूर्ण परमात्मा है, उनके अलावा कोई नहीं, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले संत हैं। संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, वैष्णव भगवान की।
जब संतों की शरण में जाओ, मैया कपिल भगवान ने कहा। मैया कह रही, अरे लाला आजकल तो नकली बाबा बहुत घूम रहे, नकली ताड़ी नकली जटा वाले, पता कैसे चलेगी असली और नकली का पता कैसे चलेगा। तब कपिल भगवान ने असली संतों का परिचय दिया, असली संत कैसे होते हैं। तिथि शवः तारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाः अजातशत्रवः शान्ता साधव साधुभूषणाः। तिथि शवः धैर्य जिसके भीतर हो, कारुणिका जिसके भीतर दया भरी हो, धैर्य भी हो दया भी हो, सुहृदः जितने भी शरीर हैं देहधारी हैं, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, जितने भी देहधारी हैं सुहृदः उनको बड़े प्रेम से सर्वदेहिना सारे देहधारियों को जो हृदय में बसाए। भी पूजन होता है इस भारत भूमि में, जानवरों का भी पूजन होता है इस भारत भूमि में, इस धरती को इस पृथ्वी को माँ कह के पुकारा जाता है, आकाश को पिता कह के जाना जाता है। ऐसी भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, जिस भारत भूमि के वृक्षों की लताओं में उनके आश्रय में उनकी छाया में बैठकर ऋषियों ने तपस्वियों ने हरिओम की माला जप के तपस्या की है, और इस हिमालय पर्वत की इस गोद में बैठकर जहाँ हम लोग ऐसे दिव्य स्थली धरिनाम की स्थित धाम में हम बैठे हैं, नागों का यहाँ पर संसद बैठती थी, ऐसा हम सबका सौभाग्य देवताओं की संसद में आज हमें धर्म संसद बनाकर कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिला है, यह हम सबका परम सौभाग्य है। तो ऐसी भारत भूमि में जहाँ नदियों में गंगा यमुना सरस्वती का पूजन होता है, गौ माता का भी यहाँ पूजन होता है, भारत में जन्म ले लिया बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं इस भारत भूमि में जन्म के लिए, क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है, सत्संग की भूमि है। ऐसी दिव्य ये धरा बागेश्वर धाम के इस जनपद में हम लोग जन्म लिए हैं, कितना हम सब का सौभाग्य। यहाँ हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं, उत्साहित क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी भारत भूमि में उत्सवों का देश है। आज होली का उत्सव है, आज दिवाली का उत्सव है, आज कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव है, आज बैसाखी है, और ये हमारा नूतन संवत्सर नव वर्ष। और हम तो आपको शुभकामनाएं देना ही भूल गए कथा में बहते हुए, कि आप सभी लोगों को सभी श्रोताओं को भारतीय सनातनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आप फले फूले आप लोगों में घर परिवार में धन धान्य सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और आरोग्य की सदैव वृद्धि बनी रहे, और ऐसे दिव्य माँ भगवती के पावन पर्व नवरात्रों के इस अवसर पर नए साल की बेला पर ये भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे वर्ष आजीवन हम लोग इसी तरह से कथाओं का आनंद लेते रहेंगे। कथा हमारे जीवन की कथा को मिटाती है, कथा हमको जीवन जीना सिखाती है, इसीलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा से भगवान नहीं मिलते, लेकिन जीवन को जीने की कला सीखते हैं, यही कथा का महत्व है। मनोस्तु सतरूपायां विसर कन्या च जगिरे
आत्मतिर्देव हूँ पिच्छा प्रसूतिरी श्रुता। तो मनु महाराज की मजली बेटी का पावन चरित्र हमने सुना, उनके पुत्र कपिल भगवान का भी दिव्य चरित्र सुना, बड़ी बेटी आकृति जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और घर जवाई बन कर गई, एक तरह से रुचि प्रजापति रहे, उन्हीं का पुत्र आकृति के गर्भ से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। कोई किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उसके हाथ से नहीं खाना, इसके हाथ से नहीं खाना, थोड़ी सी जैसी परंपरा उसका हमें भी पालन करना होता है, अन्यथा शास्त्रों में कहीं पर कोई दोष किसी का नहीं दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा तो माँ भगवती है, अन्न वहां से आता है और हम अन्न को पवित्र कह रहे हैं। और भगवान एक शब्द और कहते हैं, ब्राह्मणो समुखमासी, ब्राह्मण मेरे मुख है, मुखात् अग्नि रजायत, अग्नि मेरे मुख है। भगवान दो मुखों से भोजन करते, एक तो ब्राह्मण के मुख से, यजमान अपने घर में ब्राह्मण को बुला के भोजन करा के, जब ब्राह्मण देवता गया आनंद आया भोजन में, आहा ऐसी अग्नि में स्वाहा, जब अग्नि को स्वाहा होती है वो सीधे भगवान को मिलता है ब्राह्मण के मुख से, आहा जब होगा भोजन का आनंद तृप्त हुए आत्मा तो वो भी सीधे भगवान को भोजन प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है किसी का कि हम इसका नहीं खाते उसका नहीं खाते, अन्न पवित्र है, अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद कृपा है। ये तो हमारे देवभूमि की बात है, अगर बाहर यदि आपने ये कह दिया कि हम भोजन नहीं पाएंगे तो बोला आपने कर लिया यहाँ से चलिए, आप जैसे ब्राह्मण का क्या काम, मैंने भोजन ही नहीं कर लिया, जिस ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया वहां उस ब्राह्मण का पूजन ही नहीं होता प्रदेशों में। भोजन के लिए तो ब्राह्मण को बुलाते क्योंकि ब्राह्मण खाएंगे तो सीधे भगवान को मिलेंगे, ब्राह्मण देवता आहा कह के आनंद लेंगे। ब्राह्मणम मधुप्रियम, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ। तो दक्षिणा की बात चल रही थी कि दक्षिणा जो हम यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, जो आप रोज आकर के हम पैसा चढ़ा रहे हैं ना, ये दक्षिणा नहीं है, गलती से इसको दक्षिणा मत समझ लीजिएगा, ये भेंट चढ़ा रहे हैं आप। दक्षिणा तो अंत में होती है, विदाई में जाते समय, वो भी कब, जब ब्राह्मण देवता यजमान के हाथ में रक्षा बांधे, तेन वद्धो बली राजा दान विन्द्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे मा चल मा चल। जब कहें कि बलि जैसा आपका आधार हृदय हो, आपके घर में संपत्ति राजा बलि की भांति हो, वो आशीर्वाद दें, जो आपने यज्ञ कराया है उस यज्ञ का आशीर्वाद दें कि आपको फल मिलेगा, तब आपने दक्षिणा देनी। और उस दक्षिणा से ब्राह्मण देवता नाराज हो गए तो फिर सारा यज्ञ बेकार है, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को नाराज भी नहीं करना है। ये पुरोहिती परंपरा इसीलिए, एक ही विद्यालय में गुरुकुल में दोनों पढ़े लेकिन पूजा पाठ का अधिकार ब्राह्मण का है, यजमान पूजा पाठ नहीं करा सकता, जानता दोनों है, यजमान भी पूरा मंत्र जानता है, ब्राह्मण भी जानता है, वैश्य भी जानता, सब जानते हैं क्योंकि एक ही गुरुकुल में पढ़ना है, गुरुकुल परंपरा। और सब कुछ जानने के बाद जिसका जो काम है वही करेगा, कर्मकांड कराना ब्राह्मण का काम है और पुरोहित वो है जो पूरा हित अपने यजमान का चाहे, कुल परंपरा से चले आए, एक दूसरे के बारे में परिचित है, हमें मालूम है हमारे पंडित जी तम्बाकू नहीं खाते, तम्बाकू हमने कल बताया था गोमांस के समान है। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को दक्षिणा भी मत दीजिए जो तम्बाकू का भक्षण करते हैं, विग्रह का दर्शन करना चाहिए। घर से बोलते हैं भगवान के दर्शन करने जा रहे और यहाँ आगे आंखें बंद करते भगवान से बोलते कर ले मेरे दर्शन, आया हूँ तेरे आगे।
तो भगवान का दर्शन आंखें खोल के आंखें बंद करके, आंखें बंद तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के लिए है। तो भगवान ने सोचा कि जब तक इसे हृदय में रहूंगा ये आंखें खोलेगा नहीं। भगवान ने अपने आप को हृदय से अलग किया तो ध्रुव जी छटपटाए और घर से तो सोच के बहुत कुछ आए थे लेकिन बोल कुछ नहीं पाए। तब भगवान ने अपने संघ का स्पर्श किया। आपने देखा होगा बच्चे का नामकरण होता तो संघ से नाम सुनाते, क्यों? ये संघ में हो सकती है। जो बच्चे तुतलाते हैं उसको इसका जल पिलाइए, 6 महीने तक धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। यहाँ ध्रुव जी भी बोलने लग गए, मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरि यत कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। गुंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लगता है, लेकिन कब? यत कृपा त्वम हम वंदे परमानंद माधवम। जब उस माधव की कृपा होती है तभी भगवान का दर्शन पा सकते हैं, पहाड़ चढ़ सकते हैं और गुंगा व्यक्ति बोल सकते हैं। अब ध्रुव जी ने स्तुति गाई भगवान की, प्रभु मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, आपने जो संघ का स्पर्श कराया मेरी सुनी हुई वाणी को जगा दिया। क्या कह रहे ध्रुव जी? योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतान् संजीवयत्य कलशक्तिधरा स्वधाम्ना हे प्रभु, आपने आज मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। हे दीनानाथ, मैं अपने मन में, अपने तन में, अपने विचारों में कीचड़ लगा के आया था सुरुचि के द्वारा किए गए अपमान से यहाँ आया था, लेकिन प्रभु इस कीचड़ को, इस गंदगी को, इस मल को ऐसे साफ कर दो जैसे गौ माता बछड़े को जन्म देती है, चाट चाट के सारा मल साफ कर देती है, ऐसे हे प्रभु आप मेरे इस ध्रुव के, इस मन के मल को, इस मैल को आप भी साफ कर दो। भगवान ने कृपा कर दी, ध्रुव जी महाराज अपने घर गए। जिस सुरुचि ने भगाया था आज आरती की थाल हाथ में लेके खड़ी है स्वागत के लिए। जहां पर राम की कृपा हुई ता पर कृपा करें सबको, जिस पर भगवान की कृपा हो सब उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। आज ध्रुव जी के आगे पीछे वो सुरुचि घूमने लगी है। 36,000 वर्षों तक इस धरती का शासक रहे हैं ध्रुव जी, और अंत में ध्रुव जी उत्तर दिशा में ध्रुव लोक बनाया भगवान ने उनके लिए, ध्रुव तारे के रूप में से दीप्यमान है, प्रकाशित है। और कपिल भगवान कलकत्ता में गंगा सागर के बीचों बीच कपिल भगवान का दिव्य धाम है, कपिल भगवान वहां गए। ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे मृत्यु देव आ गए, बोला महाराज हमसे मिले बगैर कोई नहीं जाता यहाँ से, बिना मृत्यु के कोई जा नहीं सकता। तो ध्रुव जी ने कहा अच्छा एक काम करो झुको। मृत्यु को झुकाया, उसके सिर में पैर रख के विमान में चढ़ के ध्रुव लोग पहुंचे, लेकिन बड़े दुखी रहे कि मां से मिल के नहीं आया। लेकिन देखा कि आगे आगे मैया का विमान जा रहा है, पार्षदों ने बताया कि ध्रुव जी जिसके घर में आप जैसा पुत्र हो उस मां को किस बात का दुख है, उसे वैकुंठ के लिए उसका विमान आगे आगे जा रहा है। तो आज हरि अनंत हरि कथा अनंता वाणी को आज ही विराम करेंगे। कल आप लोग माँ भद्रकाली का झांकी के रूप में दर्शन करेंगे, भद्रकाली मैया यहाँ प्रकट होने वाली हैं। बामन भगवान का कल दर्शन करेंगे, बामन भगवान सबके पास भिक्षा लेने आएंगे, तो सब लोग कुछ ना कुछ बामन भगवान को भिक्षा देने के लिए। और उसके बाद कल हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, जो टॉफी लाना चाहता लाइएगा, बिस्किट लाना चाहता बिस्किट लाइएगा, खिलौने लाना चाहता खिलौने लाइएगा, कोई भक्त अगर पंडाल को गुब्बारों से सजाना चाहता तो सजाइएगा। और जैसे घर में नोन हो जाए नोन भगवान को बड़े प्यार से नोनी लगा, तो नोनी ले आया बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे गौ माता
नौन बढ़ाई नील मक्खन तो लेवे आया भो भगवान का भोग लागल और मिश्री नदी में दानवल है कहीं तुम ठुलवल मिश्री ने ले आया छोटी छोटी माखन मिश्री कल भगवान का यहाँ भोग लगेगा और खूब जन्म का उत्सव मनाएंगे और उसकी झांकी का भी दर्शन करेंगे। कल काली माँ की झांकी आएगी, नरसिंह भगवान की झांकी आएगी, भगवान नरसिंह का भी हम दर्शन करेंगे। तत्पश्चात बामन भगवान का दर्शन करेंगे और बामन भगवान के बाद फिर कथा के विराम पर कल हमारे ठाकुर जी का प्रातत्योत्सव हम मनाएंगे उनका जन्म। तो इसीलिए खूब लूटेंगे और लुटाएंगे क्योंकि नंद बाबा कल नंद भवन में खूब नंदोत्सव मनाएंगे। तो तैयारी के साथ आइएगा, सच धच के आइएगा, नकली वाला असली मत पहन गया ना, गड़बड़ हो जाएगी क्यों चोरी चोरों के सरदार कल जन्म ले रहे हैं फिर आप हमसे कहेंगे हमारा माल खो गया। तो नकली नकली पहन के असली की जरूरत नहीं है लेकिन सच धच के आइएगा। पड़ोसियों के घर में खूब नाचते हैं नामकरण में, कल भगवान का जन्म का उत्सव है, कल खूब नाचेंगे हम सब यहाँ भाव से नाचेंगे और नंदोत्सव मनाएंगे। तो यही कल के लिए सूचना थी। तो सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो, अगर आनंद ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, बीच वालों को नहीं आ रहा देखो दिखाई दे रहा हाथ खींचे के नहीं बदले। बोलो भगवत सल भगवान की श्री पुराण की श्री भागवत भगवान की का समय है वो भी हो चुका है तो आरती होते हुए अभी चला हुआ है यहाँ का कथा श्रवण के बाद भोजन और भोजन वितरण में हमारे सारे लड़के लगे हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है और सभी लोग भोग का आनंद लेते हुए और इस तरीके से 3-6 कतारों में बैठे हैं, 2 इस तरफ हैं, फिर 2 इस तरफ हैं, 2 उस तरफ हैं और फिर 7वीं कतार उधर बैठी है और जो उस तरफ हैं वो सब एक छक्का हैं एक टाइम खाने वाले और हमारे सभी लड़के अभी सर्व करते हुए और खाना पूरी तरीके से हमने आज तैयार कर रखा है और बहुत बढ़िया यहाँ पर कोशिश की है कि हम हर किसी को भोजन प्राप्त हो सके। तो सभी लोगों को भोजन कराते हुए यहाँ पर हमारे सभी सहयोगी साथी और क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है और इसलिए थोड़ा सर्व करने में समय लग रहा है पर फिर भी सभी लोग भोजन करके जा रहे हैं।
सभी को आप अब खा रहे हैं जवान, कैसा हो रहा है खाना? बात ज़्यादा खा रहे हो पूरी? सब बात वाले हैं,